गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंक पटेल एंड आई एम फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एलजे पॉलिटेक्निक अहमदाबाद। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिस्टन डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में, मतलब कि पिस्टन को जब भी डिजाइन किया जाता है तो कौन से कंसिडरेशन है जिनको दिमाग में रखा जाता है और फिर पिस्टन की डिजाइन की जाती है। तो नॉर्मली 7 ऐसे कंसिडरेशन है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके बारे में वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनॉर्मस स्ट्रेंथ की, मतलब कि पिस्टन को जब भी इंजिन के अंदर प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर रखा जाता है तो हर एक एक्सपांशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक के अंदर उसके ऊपर एक सडन इंपैक्ट आती है, एक धक्का लगता है, जिसके कारण जो पिस्टन है उसके बेंडिंग होने के या फिर पिस्टन के क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन कभी भी ना आए उसके लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम इनॉर्मस होनी चाहिए, मतलब कि एकदम रिजिड और मजबूत होना चाहिए पिस्टन, उसका डायमेंशन भी उसी तरह से बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मिनिमम मास, मतलब कि पिस्टन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के अंदर पिस्टन को इतना भारी भी नहीं कर देना है कि उसका इनर्शिया फोर्सेस है वो बढ़ जाए और इंजन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। तो मास को जितना हो सके उतना मिनिमम रखा जाता है जिसके कारण इंजन की जो पिस्टन है उसका वेट कम रहे और इनर्शिया कम रहते रहते इंजन की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सीलिंग, मतलब कि पिस्टन की जो पिस्टन रिंग्स है जो नॉर्मली 3 रखी जाती है, जिसमें पहली 2 होती है कंप्रेशन रिंग और नीचे आती है ऑयल रिंग। मैं एक जनरल इंजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो कंप्रेशन रिंग है उनका काम होता है कि पिस्टन के ऊपर जो भी एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसे नीचे नहीं आने देना है, और ऑयल रिंग का काम है कि ऑयल सम के अंदर जो इंजन ऑयल है उसे ऊपर नहीं जाने देना है। तो आपको उन रिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उनका जो डायमेंशन है वो उस तरह से डिफाइन करना है कि उसकी ग्रिप इंजन की वॉल के ऊपर प्रॉपर बनी रहे और इंजन के अंदर कोई भी लीकेज ना हो। उसके बाद आएगा हीट डिसिपेशन, मतलब कि इंजन के अंदर जो पिस्टन यूज हो रहा है उसकी हीट कंडक्शन कैपेसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके कारण इंजन जल्दी ओवरहीट ना हो और कंबशन की जो भी हीट है वो पिस्टन सीधा पिस्टन रिंग की मदद से इंजन की जो भी वॉल्स है उनको दे पाए, जिसके कारण कूलिंग सिस्टम वो हीट इंजन से बाहर ले जाए। तो हीट डिसिपेशन एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कंसिडरेशन भी है जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद आएगा साइलेंट ऑपरेशन, मतलब कि पिस्टन अपने वर्किंग के टाइम आवाज जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए, जिसके कारण वो गाड़ी के जो अर्गोनॉमिक्स है उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना डाले, यानी कि गाड़ी का जो अर्गोनॉमिक्स है, ह्यूमन का जो कंफर्ट है वो बना रहे। उसके बाद आएगा रिजिड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि पिस्टन का जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम रिजिड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिस्टन के कुछ पार्ट्स एकदम स्ट्रांग है और कुछ पार्ट्स एकदम वीक है, जिसके कारण जब भी उसके ऊपर एक्सट्रीम कंडीशंस आती है तो वीक पार्ट से फेलियर हो जाता है और पूरा का पूरा पिस्टन यूज नहीं हो पाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो थ्रू आउट द साइज एकदम रिजिड रहना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है सपोर्ट फॉर द पिस्टन पिन, मतलब कि जो पिस्टन पिन है वो पिस्टन के अंदर बॉस में बैठती है, तो पिस्टन पिन के लिए प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो हो सकता है कि पिस्टन पिन का जो माउंटिंग है वो टूट जाए और इंजन का जो ऑपरेशन है वो टोटली डिसमेसिव हो जाए। तो उसी कारण सर जो पिस्टन पिन है उसको प्रॉपर सपोर्ट देना है, प्रॉपर बॉस देना है और प्रॉपर डायमेंशन से डिजाइन करना है, जिससे पिस्टन पिन पिस्टन में प्रॉपर बैठ सके और कनेक्टिंग रोड को फोर्स ट्रांसफर कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दे दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।